तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी जो कि है भेलपुरी। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मुरमुरे ले लिए हैं हल्के से रोस्ट किए हुए, एक बड़ी कटोरी। इसके बाद मूंगफली डाल दूंगी मैं इसमें, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया और चाट मसाला डाल देंगे हम इसमें। यहाँ पे मैं एक चम्मच चाट मसाला डाल रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इमली की चटनी डाल दूंगी। मैं यहाँ पे दो चम्मच इमली की चटनी डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनी लें। और इसके बाद जो है हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारा मसाला जो है लगना चाहिए सारे मुरमुरों में। इसके बाद मैं यहाँ पे एक कटोरी बारीक सेव डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर लूंगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे नींबू फ्रेश, यहाँ पे मैं नींबू निचोड़ दूंगी थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से, और मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। और मैं यहाँ पे ऊपर से और चटनी डाल रही हूँ थोड़ी सी से गार्निश करने के लिए। तो फ्रेंड ये बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बन जाती है और बिल्कुल हेल्दी है, ऑयल फ्री है। तो इसे ट्राई करें ज़रूर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।